टाटा ग्रुप ने आधिकारिक ट्वीट में भारत सरकार DOT को यह सूचना दी है कि वो टाटा टेली सर्विसेज टाटा डोकोमो को बंद करने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक टाटा डोकोमो की स्थायी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनी लंबे समय से घाटे में चल रही थी और इस यूनिट को बेचने में नाकाम रहने के बाद चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अब इस कारोबार को समेटने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप की इस कंपनी पर 34,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और साथ ही कर्ज देने वाली संस्थाएं भी राशि वसूलने के लिए दबाव बना रही हैं। माना जा रहा है कि यह पहला मौका है जब समूह की कोई कंपनी इस तरह के संकट में आ फंसी है। बता दें कि वर्तमान समय में टाटा टेली सर्विसेज के कुल 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और कंपनी के जापानी साझेदार डोकोमो की ओर से हाथ खींचे जाने के बाद से विकल्पों पर विचार चल रहा है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।